तारीख पैदाइश 18 जुलाई 1935। पाक फजाइया में शमूलियत 3 जनवरी 1952। कमीशन मिलने की तारीख 11 जून 1953। बेहतरीन हवाबाज की ट्रॉफी हासिल की। तमगे जो अता हुए सितारे जुरत हिलाले जुरत। फजाइया में नौकरी की कुल मुद्दत 12 साल 4 माह। आज सितंबर 1965 की पहली तारीख है। कश्मीर में पाकिस्तान और भारत के दरमियान बिला ऐलान जंग छिड़ चुकी है। आज की शाम इस फतह की खुशी में मनाई जा रही है जो पाक फजाइया ने चम जूड़िया सेक्टर पर फजाई जंग में हासिल की। स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी, जो आज शाम के हीरो हैं, अभी तक नहीं आए। सरफराज रफीकी के साथी और बेस कमांडर ग्रुप कैप्टन MZ मसूद उनका इंतजार कर रहे हैं। अंकल, इस बार जब आप क्वेटा जाएंगे तो मुझे भी साथ लेकर जाइएगा। क्यों नहीं बेटे, जरूर, मगर फिर तुम्हारे स्कूल का क्या होगा? मैं छुट्टी ले लूंगा। पर अम्मी जान से कौन इजाजत लेगा? मैं दादी से कहूंगा और वो अम्मी को इस बात पर राजी कर लेंगी। मुझे यकीन है कि तुम्हारी दादी अम्मा भी इस बात की इजाजत नहीं देंगी। आप नहीं जानते मेरी दादी मुझसे कितना प्यार करती हैं। अच्छा अच्छा, चलो फर्ज करो कि मैम ये कहूँ कि मुझे भी ये बात मंजूर नहीं, तो फिर आपने मुझे अपने साथ लेकर जाने का वादा क्यों किया था? अच्छा चलो फिर ऐसा करते हैं कि इस शहर का प्रोग्राम तुम्हारी छुट्टी के दौरान बना लेते हैं। सरफराज साहब, चाय लेके आऊँ? नहीं भाई, मैं चाय नहीं पीऊँगा, मुझे फौरी एक दावत में जाना है। हाँ, वो अम्मी कैसी हैं? बेगम साहब की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? सो रही हैं, अगर आप बोलें तो मैं जगा दूँ। नहीं नहीं, उन्हें सोने दो, उठे तो मेरा सलाम कहना। जी अच्छा, चाय के लिए मना कर रहे हैं। जाने सरफराज रफीकी को देर क्यों हो गई? Very happy about this mission? Yes, I know. He said there was no match. Do you think that the war will spread to the Indo-Pak borders? I don't know.
Even if you knew, you wouldn't tell me. Yes. I have a funny feeling that it will spread along the borders. From 20,000, we descended down to 10,000 and then to 8,000 feet. And at 8,000 feet, we established contact between Hindman Pass. I asked Bhatti to keep my tail clear. And in the meantime, I saw him reported to Canberra's at about 6,000 feet, heading west. He reported this to me, and immediately after this, he saw two more vampires closing onto me. Just as I shot on one vampire and was getting behind the other one, Bhatti asked me to break left. Sarfaraz Rafiqi, Pak Fazaiya ke behtreen jangju qaid mein se ek, जिन्होंने दोनों मुल्कों की जंग के पहले ही रोज दुश्मन के फजाई हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन वो इस फजाई जंग से मुतमईन नहीं थे। उनका ख्याल था कि दोनों मुल्कों की फजाइया का कोई मुकाबला ही ना था। पहले दिन के हमलों ने भारत की फजाइया के वैम्पायर जहाजों को 1965 की जंग में मुकम्मल तौर पर पसपा होने पर मजबूर कर दिया और इससे हमारी बर्री फौज के हौसले बहुत बुलंद हुए। दुश्मन के अगले मोर्चों की फौज के काफी दबाव के बावजूद भी आज पाकिस्तान की बर्री फौज ने छम पर कब्जा किया और दरियाए तवी को अबूर करके मशरकी इलाकों की तरफ पेशकदमी जारी रखी। हैरत अंगेज बात यह है कि दुश्मन की तरफ से कोई भी फजाई मदाखलत नहीं की गई और यकीनन ये वजह है हमारे कल शाम के कामयाब फजाई हमलों की। नहीं, आज हमने कोई हमला नहीं किया। क्यों अंकल? वो इसलिए कि दुश्मन ने भी हम पर कोई हमला नहीं किया। तब तो अंकल आपको बड़ा मजा आया होगा। नहीं भाई, मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आया। क्यों? वो इसलिए कि जिस लड़ाई पे हम गए थे तो वहाँ दुश्मन के जहाज ही नहीं आए। अच्छा, ये बताएं कल आपने कितने जहाजों को गिराया? सिर्फ चार जहाज गिराए। चार? इतने सारे? दुश्मन को डराने के लिए काफी। अब ये बूढ़ी हड्डियां क्या ठीक होंगी दुल्हन? तुम ना हक मुझे दवाएं पिलाती रहती हो। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ अम्मा कि मुझे दुल्हन ना कहा करें। दुल्हन की चूड़ियां टूटे हुए तो बरसों बीत गए। मैं आपकी बहू नहीं हूँ, बेटी हूँ। ये बताओ अली कहाँ है? बहुत देर से मेरे पास नहीं आया। अली बाबा जी, सरफराज साहब के पास बैठे हैं। सरफराज आया है जी? वो तो कल भी आए थे। मुझे क्यों नहीं बताया? आप सो रही थी ना। मुझे जगा दिया होता जी। मैंने तो कहा था, उन्होंने मना कर दिया। अल्लाह उसे जिंदगी दे, सेहत दे। जी बेगम साहिबा, सरफराज साहब अली बाबा का इतना ख्याल रखते हैं कि अली बाबा एक मिनट भी उनसे अलग नहीं होते। सरफराज तो अली को अपने बेटों की तरह चाहता है। जब मेरा अमजद का आया था तो कौन था हमारा? सरफराज ना होता तो हम भूखों मर जाते। अली के स्कूल की फीस कौन देता? उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें कौन पूरी करता? मेरे तो रुए रुए से उसके लिए दुआएं निकलती हैं। जी बेगम साहिबा,
सरफराज साहब तो फरिश्ता हैं जी। जाओ उसे बुला लो, जाओ। मैं चाय बना के लाती हूँ। खाने के लिए भी कुछ भेज देना। जी जी। चाय के साथ खाने को तो कुछ भी नहीं है, तुम बाजार जाके कुछ ले आओ, इतनी देर में मैं चाय बना लेती हूँ। ठीक है, मैं अभी गई, अभी आई। कंग्रेचुलेशन सर, आपको 1 सितंबर के मिशन की कामयाबी पर मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच सलीम, एंड हाउ आर यू? फाइन सर, थैंक यू वेरी मच। लगता है दुश्मन फजाओं से मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका है। हाँ, और ये काफ़ी मायूस कन सूरत हाल है। ब्रिगेडियर अमजद चौधरी, आर्टलरी कमांडर ने पाक फजाइया के CNC को लिखा कि छम पर आपके पहले ही हमले ने हमें इस बात का यकीन दिला दिया है कि हमें अब अपनी फजाओं में दुश्मन की तरफ से कोई खतरा नहीं है, और ये बात अब यकीनी है। हम उस लम्हे को नहीं भूल सकते जिसने हमारे हौसले को बुलंद किया और फजाओं में हमारी बर्तरी की बुनियाद डाली। इत्तला मिल चुकी है और मुझे यकीन है कि तुम लोग इस बार पैसे इकट्ठे करना भूल गए। नहीं सर, मैं नहीं भूला, स्वाय आपके मैंने सबसे पैसे ले लिए। दैट्स वेरी नाइस। लंच के बाद मेरे हिस्से के पैसे भी तुम्हारी जेब में होंगे। राइट सर। किसी गाड़ी का इंतजाम कर लेना सर, हमें आज शाम तक अस्पताल जरूर पहुँचना है। राइट सर। सरफराज रफीकी ने एक ऐसी रिवायत की बुनियाद डाली जिस पर उनका स्क्वाड्रन बहुत एहतराम से अमल करता था। जब भी गर्मियों की कैंपिंग में वो समंगली आते तो हर अफसर 50 रुपये चंदा देता और जमा शुदा रकम से कोयटा TB सैनिटोरियम के मरीजों के लिए ताज़ा फल और दूसरी अशिया खरीद कर अपनी आमद के पहले ही रोज़ अस्पताल पहुंचा देते। मेरे करीबी अजीज भी TB के डर से मिलते नहीं आते। मैं भी तो आप ही का बेटा हूँ बाबा, और हम लोग ऐसी चीज़ों से नहीं डरते। खुदा तुम पर अपनी रहमतें नाज़िल करे, खुदा तुम सब पर अपनी रहमतें नाज़िल करे। सरफराज साहब, तमाम लोग आपकी कामयाबी और सलामती के लिए दुआएं करते हैं। ये लोग जब भी आपके जहाज़ों की आवाज़ें सुनते हैं तो इनके चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। ये लोग आपका और आपके साथियों का बहुत बेचैनी से इंतजार करते हैं। हमारे लिए तो जी आप लोग फरिश्ता हैं। हम फरिश्ता नहीं, हम बहुत मामूली से इंसान हैं। आज सरफराज रफीकी ने अपना मिशन बहुत बहादुरी से पूरा किया। इस अरसे में दुश्मन ने उस सेक्टर में मौजूद अपने 4 अगले फजाई मोर्चों से 150 जहाज़ों से हमला किया। जिस वक्त पाक फजाइया के जहाज़ दुश्मन के जहाज़ों पर लग गए तो दुश्मन के जहाज़ों ने बहुत बुलंदी पर परवाज करते हुए
बैन अल-अक़वामी फजाई सरहदों को पार करके अपने आप को महफूज किया। पाकिस्तानी फजाई फौज को भारत की फजाई हदूद में उनके जहाजों का पीछा करने की इजाजत नहीं थी। جہاں تک سرفراز رفیقی کا تعلق ہے، پیشہ ورانہ مہارت میں ایک سکوارن کمانڈر اور فلائنگ پائلٹ کی حیثیت سے ان کا کوئی ثانی نہیں۔ انہوں نے تقریباً ہر سکوارن پائلٹ کے ساتھ جنگی مشقوں کی مشکل اور پیچیدہ پروازیں کی تھیں۔ ایئر کامبیٹ، گنری اور نیویگیشن میں کوئی ان کی جنگجو قیادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تمام صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ وہ ایک مکمل انسان تھے۔ وہ موسیقی اور آرٹ کے دل دادا تھے۔ پھول ہو کے تتلی، درخت ہو کے تصویر، وہ سب میں حسن تلاش کر لیتے تھے۔ یہاں تک کہ خراب موسم کی بدصورتی میں بھی ان کو ایک حسن نظر آتا تھا۔ وہ غریبوں اور ضرورت مند لوگوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ अस्सलामुअलैकुम अब्बा जी, कैसी तबीयत है आपकी? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। एजाज भाई का वो खत आया? जी हां, कीनिया पहुंचते ही उन्होंने मुझे एक कार्ड भेजा था। अम्मा जी कैसी हैं? क्यों नहीं, जरूर बात कराएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, क्या हाल है आपके? जी मुझे यकीन नहीं आ रहा अम्मा जी, आप जरूर मजाक कर रही हैं। आप एक तरफा फैसला कैसे कर सकती हैं? अम्मा अभी तो एजाज भाई की भी शादी नहीं हुई, वैसे उनके होते हुए मेरी शादी कैसे हो सकती है? नहीं अम्मा, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं कि आपकी पसंद अच्छी नहीं है, आपका फैसला यकीनन ठीक है। जी नहीं, मेरी नजर में तो कोई लड़की नहीं। अच्छा अम्मा, मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए प्लीज, क्या वो लड़की खूबसूरत है? है तो ठीक है, ठीक है अम्मा, मुझे मंजूर है। यकीन नहीं आ रहा, आप और शादी? जी जनाब, मैं शादी कर रहा हूं। आपके बार बार शहर जाने पर मुझे शक था कि जरूर कोई बात है। मैं बार बार शहर किसी बीवी की तलाश में नहीं जाता था। यह मुकम्मल तौर पर बुजुर्गों की तय करदा शादी है, और मैं तो यह तक नहीं जानता कि वो लड़की है कौन, और ना ही मैंने उसे देखा है। शायद ही 19वीं सदी की कोई शादी है जिसमें दूल्हा दुल्हन को देख भी नहीं सकता। लेकिन ऐसी शादियां ज्यादातर कामयाब रहती हैं। बहरहाल सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे मेरी तरफ से भी मुबारक हो सर। क्या हम लोग किसी और मौजू पे बात नहीं कर सकते? मसलन क्या? Nothing is happening and I'm desperately looking for some game in the sky. پاکستانی فضائیہ کے سی این سی نے یہ فیصلہ کیا کہ فضائیہ کے سیبر جہاز 25 سے 30 ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کریں تا
ताकि दुश्मन के रेडार पर बासानी देखे जा सकें। ये इकदाम इसलिए किया गया था कि दुश्मन को फजाई जंग के लिए उकसाया जाए। F-104 जहाजों के लिए हुक्म था कि वो इतनी नीची परवास करें कि वो दुश्मन के रेडार की जद में ना आ सकें, और जब दुश्मन के जहाज हमलावर हों तो ये F-104 अपने सेबर जहाजों की मदद को फौरन पहुंच सकें। लेकिन इन तमाम इंतजामी कार्रवाइयों के बावजूद ऐसा लगता है कि भारतीय फजाइया ने इन जंगी कार्रवाइयों में हिस्सा न लेने का फैसला कर लिया। सितंबर 1965 के सूरज ने हमारा इस्तकबाल इस खबर से किया कि भारत की फौजों ने बैनुल अक्वामी सरहदों को पार करके लाहौर की तरफ पेश कदमी शुरू कर दी है। पाक फजाइया की सरगुदा बेस को हालत जंग के लिए तैयार कर लिया गया। रोशनी की पहली किरण के साथ ही पाक फजाइया ने लाहौर के दिफा के लिए दुश्मन की जमीनी फौज पर हमले शुरू कर दिए। दोपहर तक सरगोधा से तकरीबन 40 बार हमले किए गए और दुश्मन की तैयारा शिकन तोपों की भारी जवाबी कार्रवाई की वजह से काफ़ी तादाद में सेबर तैयारों को मामूली नुकसान भी पहुंचा। लेकिन इस दौरान पाक फजाइया का कोई तैयारा तबाह नहीं हुआ। Sargoda is going to provide eight every six Fs. The target is going to be Hadwara. Peshawar. इतने पेचीदा ऑपरेशन में अपने निशानों पर बरवक्त पहुंचने के लिए आला दर्जे की हमाहंगी जरूरी है। शाम 5 बजे को हमले का वक्त मुकर्रर किया गया। इस वक्त दिन का 1 बजा है। अस्सलाम वालेकुम सर। Where the hell were you, Cecil? क्या तुम्हें एहसास नहीं कि जंग शुरू हो चुकी है? हलवाड़ा पर हमारे हमले का वक्त 5 बजे है। जल्दी से सब पायलट्स को इकट्ठा कर लो, मैं तुम्हें फ्लाइट प्लान चेक कर लेता हूँ। सर, स्क्वाड्रन के तमाम पायलट्स को 2 बजे पूरी तैयारी के साथ आने का कह दिया। मुझे टेक ऑफ से वेपन डिलीवरी तक प्लानिंग करनी है, और उन 8 पायलट्स का भी फैसला करना है जिन्होंने इस हमले में हिस्सा लेना है। आई वॉन्ट दिस अटैक ओवर हलवाड़ा टू बी इफेक्टिव। आई विल लीड द फर्स्ट फॉर्मेशन एंड फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस विल लीड द सेकंड फॉर्मेशन। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू सलीम? फाइन सर, थैंक यू। आज सुबह कितने मिशन किए? 2 मिशन सर, वाघा अटारी सेक्टर पर। मेरे साथ चलने? जरूर सर, व्हाई नॉट। प्लान का पता है तुम्हें? नो सर। ओके, लेट्स गो एंड डिस्कस द प्लान। श्योर सर। ऑल्दो वी आर शॉर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट बट वी हैव बीन टास्क्ड टू स्ट्राइक द एयरफील्ड्स एट हलवाड़ा एंड आदमपुर। And the TOT is going to be 1700 hours. If we are so short of aircraft, would it not be better, sir, to carry out the strike first thing tomorrow morning? I know. It will take us the whole night to get 16 aircraft ready, but it has to be done today. What I meant was, sir, that we achieve our mission with a great degree of effectiveness. This argument was carefully considered by the CNC. But the Indian Air Force attacking the PAF on the ground cannot be ruled out. The fact is,
I don't have to get into details. Take 4 aircraft and make sure that you put up a good show. Yes, sir. तय ये पाया था कि हलवाड़ा के लिए फॉर्मेशन कुछ इस तरह होगी। सरफराज रफीकी लीडर, सैसल चौधरी नंबर 2, यूनुस नंबर 3 और सलीम शेख नंबर 4। जहाज दिए गए हैं उनमें से कोई भी तैयार नहीं है सर। आई मस्ट इन्फॉर्म द बेस कमांडर। आई विल गेट यू बेस कमांडर सर। थैंक यू। बेस कमांडर स्पी ऑन द लाइन सर। स्क्वाड लीडर रफीकी। सर रफीकी है। 4 एयरक्राफ्ट एलोकेटेड टू अस हैव जस्ट लैंडेड बैक सर। And they are in the process of refueling and rearming. I don't think we would be able to make our duty good. Don't worry. Alam's formation has also been delayed for some reason. You try and make good whatever TOT is possible. Yes, sir. By the way, Peshawar formation was already airborne with 10 aircraft for Pathankot. This would be the second strike, the first one in the morning. Peshawar formation is already airborne. Sir. लगता है अचानक हमले का मंसूबा अब हमारे खिलाफ जाएगा। सर, आखिर इस मिशन के पीछे क्या हिकमत अमली है? दुश्मन हमारे इंतजार में, आखिर हम किस पर क्या साबित करना चाह रहे हैं? सैसल, तुमने बेस कमांडर की बात सुन ली है। अगर हमारे पास 2 जहाज भी हैं तो हमें जाना है। हाँ, अगर तुम्हारे दिल में कुछ शकूक हैं तो तुम रुक जाओ, मैं किसी और को ले चलूँगा। सर, आपने मुझे समझने में गलती की है। आई विल फॉलो यू टू द वेरी हेल इफ इट कम्स टू द क्रंच। देन कंसिडर दिस टू बी द क्रंच एंड शट अप। जब सरफराज रफीकी की फॉर्मेशन हलवाड़ा पहुंचेगी तो पठानकोट पर दूसरी बार हमला हो चुका होगा। भारतीय फजाइया जो हिकमत अमली इख्तियार कर सकती है वो ये कि वो अपने तमाम काबिल इस्तेमाल जहाज़ों को फ़ज़ा में बुलंद कर दे ताकि वो अपने इलाके पर छा जाएं और पाक फ़ज़ाइया के उन जहाज़ों को निशाना बना सकें जो उनके ठिकानों पर हमला करने के लिए आएं। पठानकोट मस्ट बी अंडर अटैक राइट नाउ सर। आई होप नोज़ी एंड हिज बॉयज क्लॉबर द हेल आउट ऑफ दैट बेस। I'm sorry, Cecil. कुछ देर पहले मैं अपने आप पर काबू ना रख सका। No, sir. I understand. That's right. What's the news? Sir, your aircraft are ready. और बाकी दो? वो भी तैयार हैं, सर। Flight Lieutenant Saleem और Flight Lieutenant Yunus का बता दो। We are starting up at 1715. Okay, sir. Let's go.
Circle 844. Falcon 4, go ahead. So much generator has backed up. Recycle the switch once again. So the generator light is still on. Falcon 4, go back and switch off. Oh, roger. सेसल चौधरी पहली मर्तबा सरफराज रफीकी से 1962 में मिले। Hey young man, what's your name? सेसल चौधरी, फ्लाइंग ऑफिसर सेसल चौधरी। आप कैसे हैं पाजी? फाइन। हाउ आर यू मुख्तार? आई एम टायर्ड सर। यार अपनी हालत देखो, क्या बना रखी। इंग्लैंड से पाकिस्तान तक बाय रोड सफर और फिर हालत तो खराब होनी थी। तुम जानते हो ये कौन है? नो सर। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सरफराज रफीकी। अस्सलाम वालेकुम सर। हां। एंड फ्लाइट लेफ्टिनेंट सैयद मुख्तार अली। हाउ आर यू सर? फाइन। एंड ही इज फ्लाइंग ऑफिसर सेसल चौधरी। वी हैव ऑलरेडी मेट। नाइस मीटिंग यू सेसल। थैंक यू सर। कैन आई हेल्प यू विद अकोमोडेशन इन द मेस सर? I'm sure you'll be comfortably accommodated. Why not? I think Mukhtar would also like the idea. मैं कितने सालों से इस खूबसूरत मुलाकात की तलाश में था। हलवाड़ा पर मौजूद भारतीय फजाइया के तमाम जंगी जहाज इस वक्त तक फजा में बुलंद हो चुके होंगे, क्योंकि पठानकोट पर दूसरा हमला हुए 30 मिनट गुजर चुके हैं। Two hunters, 12 o'clock high. Keep an eye on them. Cecil, you get the one on the left. I'll take care of the one on the right. The two hunters pulling up from our right. Take care of the one on the left, and I will take care of the one on the right. Roger. Go ahead. There are two more pulling up from our left, and another two behind them, but at a very high angle off.
Roger. Just keep my tail clear. We'll sort them out. यूनुस अपने साथियों से अलग हो चुके हैं और उन लोगों का यूनुस से कोई बसरी राबता नहीं है। सरफराज रफीकी के जहाज की गन्स ने काम करना छोड़ दिया था, इसके बावजूद वो दुश्मन की सरहदों में काफी अंदर मौजूद रहे और ये बात जाहिर करती है कि एक जंगजू पायलट की हैसियत से उनके अंदर कितनी फर्ज शनासी और रिवायती कायदाना सलाहियत थी। स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी ने अपनी कीमती जान का नजराना अपने साथियों की जान और मादर वतन की आन को पेश कर दिया। ये उनका अपने फर्ज से किया हुआ वादा था। स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी की शुजात और फर्ज शनासी फजाई जंग की तारीख की एक बेहतरीन मिसाल है। स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी को
उनकी बेमिसाल शुजात के सिलसिले में हिलाल जुरत से नवाजा गया। पाक फिजाइया ने एहतरामन अपने एक अड्डे को उनके नाम से मंसूब किया। इसके अलावा उनका कॉलेज भी उन्हीं के नाम से मंसूब हुआ। इधर दूसरी तरफ जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार होकर उनके घर वालों ने हुकूमत की तरफ से अता करदा मिल्कियत को पाक फिजाइया के मुलाजमीन के लिए बतौर अतिया दे दिया।